हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग आप सबका ब्रूटली ऑनेस्ट में स्वागत है दोस्तों मैं कई साल पहले एक जर्नलिस्ट थे मैंने उनको देखा था वो आ, टीवी में लाइव आ, रिपोर्टिंग करते थे और जब किसी से बात करते थे तो उससे पूछते थे कौन जात हो बिहारी एक्सेंट में कौन जात हो और ये कौन जात हो ये भारत की मानसिकता में एक ऐसा सवाल है जो कहीं पे इग्रेनड है हर आदमी एक दूसरे की जात जानना चाहता है लेकिन ये जो जात का सवाल जवाब जो है ये उम्मीद की जाती है कि जो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हैं या इवॉल्व नहीं हैं या जो लोग बहुत डेमोक्रेटिक नहीं हैं और अभी भी बहुत ही ऑर्थोडॉक्स सिस्टम में रहते हैं वो इस तरह की बातें करें लेकिन आपने देखा होगा कि कल भारत की पार्लियामेंट में पिछले दो तीन दिन से एक्चुअली जबरदस्त जात पात को लेकर डिबेट चल रही है कास्ट सेंसस की मांग हो रही है और देखा जाए तो 2024 का जो इलेक्शन है उसमें कास्ट को लेकर एक बहुत अग्रेसिव कैंपेन लड़ी गई आखिर ये जात की पॉलिटिक्स है क्या और इससे भारत को फायदा है क्या ये कास्ट सेंसस करने से क्या भारत को फायदा होगा क्या आप भारत को फायदा मतलब क्या आपको फायदा होगा क्या मुझे फायदा होगा क्या उस दलित को फायदा होगा जिसके नाम पे हर कोई ये सिनिस्टर और डेंजरस पॉलिटिक्स अपने वोट्स के लिए भुनाने में लगा है दोस्तों दुनिया मल्टीवर्सेस डिस्कवर कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह लोग रियल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस पे रिसर्च कर रहे हैं रोबोट्स सुसाइड कमिट करने लगे हैं इंसान रोबोट बन रहा है रोबोट इंसान बन रहा है और ऐसे वक्त में पिचहत्तर साल की आजादी के बाद इतने दशकों के ये जो कास्ट पॉलिटिक्स और कास्ट इक्विलिब्रियम है उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने के बाद द ओनली सोल्यूशन अवर इंटेलेक्चुअल्स एंड अवर ग्रेट पॉलिटिशियंस हैव कम अप विद इज जब भी जात पात का प्रॉब्लम खड़ा हो तुरंत रेजर्वेशन लगा दो हर चीज पर रेजर्वेशन आज जो खड़ा हो जाए और अपनी कास्ट को लेके थोड़ा सा चिल्लाना शुरू करे उसको रिजर्वेशन दे दो एक ही सॉल्यूशन हमने ढूंढा है और आप ये सोचिए ये कहां से आ रहा है आपने भारत में जगह जगह देखा होगा पार्किंग में लिखा होता है रिजर्व फॉर वी कहीं पे लिखा होगा रिजर्व फॉर सेक्रेटरी सु, हाउसिंग सोसाइटीज में आप अगर स्कूल्स कॉलेजेस में भी जाएं तो कैंटीन में भी मेरे ज़माने में होता था कि एक बेंच रिजर्वड होती थी पता नहीं किसके लिए होती थी टीचर्स के लिए प्रोफेसर्स के लिए आपको लोग मिलेंगे जो कि रुमाल रख के ट्रेनों में बसों में अपनी सीट रिजर्व कर लेते हैं अभी एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था एक आदमी पार्किंग में सिर्फ खड़ा था क्यों उसने किसी के लिए जगह रिजर्व कर रखी थी कि जो रेजर्वेशन हम हर चीज़ के लिए सोल्यूशन के रूप में ढूंढते हैं आप मुझे ये बताइए कि ये मानसिकता आ कहां से रही है ये सारी मानसिकता आ रही है ये कोलोनियल सॉल्यूशन है आप जानते होंगे कि अंग्रेजों ने एक वीआईपी कल्चर शुरू किया था उनके हाथ में राज था इसीलिए उसको ब्रिटिश राज बोलते हैं और जो भारतीय लोग उनका समर्थन करते थे उनकी सिनिस्टर डेंजरस डिवाइसिव और एक्सप्लोइटेटिव ऑपरेसिव पॉलिटिक्स में जयचंद बन के उनका साथ देते थे जयचंद मतलब एक जो बिट्रियल करता है अपने ही लोगों के साथ जो एक ट्रेटर होता है उनका साथ देते थे उन सबको वीआईपी का दर्जा मिल गया था और भारत में एक स्कीम जो ब्रिटिश ब्रिटिशर्स ने लगाई थी वो जो क्लब्स थे जहां अंग्रेज लोग जाते थे वहां बाहर लिखा होता था डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड ये इंडियंस कौन थे जो नॉट अलाउड थे क्या ये वो वीआईपी इंडियंस थे जो कि अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे और भारतीय सोसाइटी को ही तोड़ने का काम अंग्रेजों के साथ मिलकर करते थे नहीं उन सब के लिए जगह रिजर्व होती थी ये वो भारतीय थे जो ये नहीं करते थे भारतीय सोसाइटी अगर आप देखें हमेशा से डिवाइडेड रही है वी नॉन वी के बीच में एलिट्स नॉन एलीट्स के बीच में सिविल रोड में रहने वाले या वीआईपी इंडिया में कई जगह पे आप देखिए भोपाल जैसे शहर में और तमाम शहरों में मैंने देखा है एक वीआईपी रोड होती है उसका नाम ही होता है वीआईपी रोड क्योंकि वहाँ वी रहते हैं वहाँ पर अगर कोई गरीब व्यक्ति मैं चाहता तो मैं किसी की जानता नहीं आई एम आई एम आ कास्ट इनडिफरेंट पर्सन अगर वहाँ पर कोई ऐसा आदमी जो इलीट नहीं दिखता है उस मोहल्ले में या वीआईपी रोड में ज़्यादा देर घूमता है तो उसके साथ भी वही किया जाता है जो अंग्रेज भारतीयों के साथ करते थे डॉग्स एंड नॉन वी नॉट अलाउड आप मुझे बताइए जहां पे वी लोग बैठते हैं क्या आप वहां बैठ सकते हैं दोस्तों आइए सबसे पहले हम कास्ट सेंसस और जो कल पार्लियामेंट में जो चल रहा है और देश की जो पॉलिटिकल नैरेटिव में चल रहा है वहां तक पहुंचने के पहले जरा ये तोड़ते हैं कि यह पूरा कास्ट का मसला है क्या इसमें कोई शक नहीं है कि भारत कास्ट के लेवल पर डिवाइडेड था इसमें भी कोई शक नहीं है कि जिन लोगों के पास ताकत थी वो लोग जनरली जिनके पास ताकत नहीं थी उनको ऑप्रेस करते थे एक्सप्लॉइट करते थे भारत में एक सिस्टम चलता था जमींदारी सिस्टम जमींदारी सिस्टम और ये सारे के सारे जो जमींदार थे ये बेसिकली कांग्रेस पार्टी को फंड करते थे कोई गलत बात नहीं है अगर आप एक रेवोल्यूशन कर रहे हैं देश को आजादी चाहिए तो पैसे वाले ही देंगे पर ये ज़मींदार जो थे ये गरीब लोगों को अप्रेस करते थे उनकी बेटियों को रेप कर देते थे उनकी ज़मीन गिरवी रख लेते थे उनकी ज़मीन छीन लेते थे उनके साथ बेसिकली अत्याचार करते थे और एक वक्त तो ऐसा आ गया था उनकी इतनी दुर्दशा थी कि उनको जानवर कीड़े मकोड़ों जैसे ट्रीट किया जाता था भारत में जो एजुकेशन है आप एक बात को समझ लीजिए ताकत दो चीज़ों से आती है एजुकेशन और पैसा इन दो में से किसी एक चीज अगर आपके पास ज्यादा है तो आपके पास सामाजिक ताकत होगी और वो आपको ऐसी स्थिति में पहुंचा देगा जहां पे आप लोगों को अप्रेस और एक्सप्लॉइट कर सकते हैं तो भारत में जो जमींदार लोग थे वो नॉन इलीट्स नॉन वी को अक्सर अपने मकसद के लिए अपने मंसूबे के लिए एक्सप्लॉइट करते थे ऑप्रेस करते थे और सोसाइटी में नॉन वीआईपी, नॉन इलीट्स का बहुत नीचा दर्जा था और जनरली ये नॉन इलीट्स और नॉन वी वो बने जिनके पास ना तो एजुकेशन था और ना जिनके पास पैसा था अब हम ये समझते हैं एजुकेशन और पैसा किसके पास था ये तीन लोगों के पास था एक बेनिफिशरीज ऑफ ब्रिटिश करप्शन मतलब जो लोग ब्रिटिशर्स के साथ जुड़ गए वो सब इलीट्स हो गए उनकी जात पात से किसी को मतलब नहीं था किसी को भी मतलब नहीं था दूसरा जो लोग पढ़े लिखे थे और जिनके पास पैसा था और थर्ड लेवल में आप जानते हैं भारत में जो मिडल मैन है ये मिडिल मैन किसी को भी एक्सप्लॉइट करते हैं ऑप्रेस करते हैं इनको आप साहूकार बोल सकते हैं मुंशी बोल सकते हैं मुनीम बोल सकते हैं ये बेसिकली पावरफुल लोगों के साथ जुड़े रहते हैं और आज की तारीख में आप तमाम ऐसे लोगों को जानते होंगे एक्चुअली मैंने कहीं एक आर्टिकल पढ़ा था कि इंडिया इज स्लोली बिकमिंग अ कंट्री ऑफ मिडिल मैन और ये बात सत्य भी है जब भारत आज़ाद हो गया तो हम देखते हैं ये पावर किसके पास आया और ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कैसे आइए अब इसको समझते हैं दोस्तों भारत में आजादी के बाद दो पैरल चीजें चली नंबर वन जितने भी जमींदार थे आजादी के तुरंत बाद वो सारे जमींदार जो सोसाइटी में पावरफुल लोग थे ऑब्वियसली वो ब्राह्मण बनिए क्षत्रिय ये लोग थे क्योंकि ये पढ़े लिखे भी थे ये आ, सरकारी तंत्र में भी शामिल थे और इनको अंग्रेज़ों के करप्शन का काफ़ी बेनिफिट मिला हुआ था इसलिए आप देखिए इनकी कोठियाँ भी थी इनके पास ज़मीनें भी थी तो एक तरफ देखा जाए तो भारत के ये समृद्ध पावरफुल लोग थे इलीट्स जो अक्सर ऊंची जाति के थे और दूसरा भूखा नंगा कंगाल पतित भारत ये दो स्थितियां बन गई थी इसको एक्सप्लॉइट किया दो फोर्सेस ने नंबर वन कांग्रेस ने आप अगर कांग्रेस का इतिहास देखें तो कांग्रेस जमींदारों की पार्टी कही जाती थी फिर धीरे धीरे ये ब्राह्मण और बनियों की पार्टी बन गई फिर इसके बाद ये साहूकारों की पार्टी बन गई और उसके बाद ये करप्ट पुलिस ऑफिसर आई ऑफिसर्स मंत्री इन लोगों की पार्टी बन गई अगर आप मेरी बात पे जरा भी वन परसेंट डाउट करते हैं तो आप भारत की फिल्मों का इतिहास देखिए आपको भारत की फ़िल्मों में आज़ादी के बाद की जितनी फिल्में हैं आप उनके विलन्स को उठा लीजिए आपको समझ में आ जाएगा सोसाइटी में कौन ऑप्रेसर था और कौन ऑप्रेस था आपको पचास के दशक में ज़मींदार मिलेंगे विलन उसके बाद के दशक में आपको ये मिल ओनर साहूकार ये जो छोटे मोटे धंधे वाले बनिए लोग जो हैं ये मिलेंगे आपको उसके बाद अगर आप सिक्सटीज़ के बाद सेवेंटीज़ के उसमें आएँ तो आपको जितने कांग्रेस के करप्शन के बेनिफिशरीज़ हैं इंक्लूडिंग स्मगलर्स इंक्लूडिंग स्मगलर्स ये मिलेंगे आपको और उसी वक्त दौरान की जो फिल्में देखें आप लेट सेवेंटीज अर्ली एटीज की खास तौर पे अस्सी से लेकर आ, लेट एटीज तक की फिल्में तो इसमें आपको विलेन मिलेंगे आई ऑफिसर्स आईपीएस ऑफिसर्स मंत्री खास तौर पे मंत्री पॉलिटिशियंस और उनसे जुड़े लोग चाहे वह फिर पत्रकार हों चाहे समाज सेवक हों तो भारत ने दो भाग में भारत को बांट दिया एक जिनके पास सत्ता पैसे एजुकेशन की ताकत है और दूसरा वो जिनके पास ये ताकत नहीं थी दोस्तों इसके विद्रोह में एक दूसरा मूवमेंट चालू हुआ जो उसको कहते हैं नेक्सलिज्म का मूवमेंट बंगाल में जमींदारों ने इतनी अति कर दी थी अत्याचार की और शोषण की कि उसके खिलाफ कई नौजवान खड़े हुए और उन्होंने अपने हाथ में बंदूकें ले लीं और एक दिन सुबह उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस वालों को मार डाला गोलियों से और उन्होंने आ, जो ज़मींदार थे उनकी जमीनें छीन लीं और इस तरह से भारत में एक नई पॉलिटिकल माइंडसेट जिसको बोलते हैं उसका प्रवाह चालू हुआ आज 1900 लगभग 60s में जो ये चालू हुआ था आज 60-70 साल बाद भी नेक्सलिज्म अपना रूप बदलती है लेकिन बात वही रहती है इन नेक्सल्स ने एक नया नैरेटिव इंडिया में शुरू किया जो कि बेसिकली एक कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट नैरेटिव है जो है डिवाइड द सोसाइटी अमस्ट क्लास इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया इन्होंने बोला कि जो भी आदमी जमीन ओन करता है वो अप्रेसर है और जो आदमी उसके खेत में काम करता है वो अप्रेस्ड है इन्होंने एक सोशल स्ट्रक्चर को क्लास लेवल पे खत्म किया उसके बाद होता क्या है हर रेवोल्यूशन क्यों फेल होता है क्योंकि रेवोल्यूशन वाले जब तक उनके बाद ताकत नहीं होती है वो ऑप्रेसर्स को के अगेंस्ट होते हैं लेकिन एक बार जब बंदूकें आपने हाँ हाथ में उठा ली आपको एक सेक्शन की करेंसी मिल गई आपकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट हो गई तो आपके हाथ में ताकत आ जाती है और जैसे ही आपके हाथ में वो ताकत आ जाती है आप खुद ऑप्रेसर बन जाते हैं और आप दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट करने लगते हैं ये इन एक्सल्स ने किया लगातार आज ये स्थिति है कि इन नेक्सल्स जो हैं इनके जो पंजे हैं ये शहरों में आ गए इनका एक ही मकसद है ये पूरे टाइम भारत में एनार्की की क्योस कॉन्फ्लिक्ट और डिवीजन क्रिएट करना चाहते हैं ताकि सोसाइटी हमेशा डी रहे जितनी सोसाइटी डी रहती है उतना इनके पास पावर आता है और इसीलिए ये अर्बन एरियाज में इनने अपने फ्रंट ऑफिस बनाए जिनको मैं अर्बन नेक्सल्स बोलता हूँ अगर आपने मेरी किताब विच इज़ द बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ दिस डेकेट अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो आप उसको पढ़िए अर्बन नेक्सल्स और आपको सारी ये पॉलिटिक्स समझ में आएगी तो दोस्तों जब ये नेक्सलिज्म और दूसरी तरफ कांग्रेस के जो बेनिफिशरीज़ थे करप्शन के इन लोगों ने अपने अपने पावर सेंटर्स को मैनेज करने के लिए अपने अपने वोट बैंक्स क्रिएट करने चालू किए अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज चेक करनी चालू करी तो धीरे धीरे हुआ क्या कि सब ने अपने अपने लोकलाइज्ड एरिया में जैसे कि आप ये देखिए कि तमिलनाडु में एक पेरियार मूवमेंट चालू हुआ उसमें आप दलितों को और जो अपर कास्ट जिनको बोला जाता है उनको बांटा गया अंबेडकर ने भी गांधी जी के साथ उनका एक जबरदस्त नेहरू गांधी के साथ एक मैसिव कंपटीशन भी था और जब उस पॉपुलैरिटी से वो लड़ नहीं पाए तो उन्होंने भी एक अलग अपना नैरेटिव क्रिएट किया ये भारत में हर किसी ने किसी ने कभी हिंदुओं के साथ किसी ने मुस्लिमों के साथ किसी ने क्रिश्चियंस के साथ किसी ने दलितों के साथ किसी ने ब्राह्मणों के साथ आप लोग भूल गए होंगे एक ज़माने में बहुत एंटी ब्राह्मण पॉलिटिक्स हुई है जब गांधी जी का असेसिनेशन हुआ था उसके बाद बॉम्बे में इतने सारे ब्राह्मणों को काटा गया था मारा गया था ये बात शायद आज की जनरेशन में कोई जानता नहीं है भारत में ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है चाहे वो जैन हो चाहे वो सिख हो चाहे वो पारसी हो चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे दलित हो जिसको किसी ना किसी वक्त में किसी ना किसी जगह पे एक सामाजिक अत्याचार का शिकार ना होना पड़ा हो ऐसा संभव ही नहीं है कि इस देश में कोई भी ऐसा आदमी हो जो कह दे कि मेरा सिर्फ इसलिए ऑपरेशन नहीं हुआ क्योंकि मैं अपर कास्ट का था इट इज इम्पॉसिबल तो ये जो अर्बन एक्सल्स मीन्स लेफ्टिस और कांग्रेस का जो एक कॉम्बिनेशन बना और उसके बाद इसके धीरे धीरे जो ऑफशूट्स हुए उन्होंने पूरी सोसाइटी को रिलीजन कास्ट लैंग्वेज रीजन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस पे इस लेवल पे डिवाइड किया कि वो भारतीय पॉलिटिक्स की टेम्पलेट बन गई फॉर्मूला बन गया इंडियन पॉलिटिक्स का डीएनए बन गया कि अगर जीतना है तो आपको किसी को गिराना ही पड़ेगा किसी को आपको अपना वोट बैंक में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा चाहे उसके लिए साम दाम दंड भेद इमोरल इलीगल अनैथिकल चीज़ों का सहारा लेना पड़े ये भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है अब आइए इसके बाद समझने की कोशिश करते हैं ये कास्ट पॉलिटिक्स आज की तारीख में क्या है दोस्तों आज़ादी के बाद जो सवाल उठना चाहिए था कि कैसे नेशन बिल्डिंग की जाए कैसे भारत का राष्ट्र निर्माण किया जाए भारत का एक नया कैरेक्टर क्रिएट किया जाए लेकिन हमने क्या किया हमने अंग्रेजों का ही जो लॉस थे उनको अडॉप्ट कर लिया हमने उन्हीं की जो ब्यूरोक्रेसी थी उसको अपने अंदर कर लिया उन्हीं का जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसको अंदर कर लिया हमने कुछ भी नहीं किया सिवाय नाम बदलने के और उसी कॉलोनियल माइंडसेट को अंदर ले आए जो सवाल भारत को पूछना चाहिए था आज़ादी के बाद कि अब भारत किस चीज़ पर खड़ा होगा मेरिट पे या जुगाड़ पे मतलब अगर आप किसी के दलाल बन गए आपने किसी को मैनुपलेट कर लिया आपने किसी को एक्सप्लॉइट कर लिया इसलिए आप आगे समृद्ध हुए सक्सेसफुल हुए या आप में काबिलियत है इसलिए आप सक्सेसफुल हुए इसीलिए आज भारत वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मीडियोकर सोसाइटीज़ में से एक है हमारी कंट्री मेरिटोक्रेसी पे नहीं चलती है और अब तो ये हद हो गई है एक ऐसा पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट हो गया है कि आप जैसे ही मेरिट वर्ड यूज़ करेंगे आपके पीछे ये पॉलिटिशियंस और सो कॉल्ड अर्बन नेक्सल एक्टिविस्ट आपका जीना मुश्किल कर देंगे क्योंकि आप जैसे ही मेरिट की बात करते हैं इन लोग इन लोगों की मीडियोक्रिटी इनकी इनएफिशंसी और इनका करप्ट एंड अनएथिकल वे ऑफ थिंकिंग एक्सपोज हो जाता है कैसे ही अपने वोटर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ये एक्सपोज हो जाता है दोस्तों आपको क्या लगता है मैं आपके कॉमन सेंस के बारे में जानना चाहता हूं आपको क्या ऐसा लगता है कि दुनिया में एक भी ऐसा अकलमंद या पढ़ा लिखा या सेन जिसको कहते हैं नॉर्मल आदमी होगा जो ये कहे कि मेरिट इज नॉट इंपॉर्टेंट आप मुझे बताइए अगर आपको जाना है किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए आप किस डॉक्टर के पास जाएंगे जिसमें मेरिट है आपको अगर ड्राइवर रखना है अपने लिए आप किसको रखेंगे आप अपने घर में काम करने के लिए अगर एक कारपेंटर को बुलाते हैं एक कुर्सी बनाने के लिए आप किसको लेंगे जो मेरिट होल्डर जो उसमें मेरिट है जो अच्छी कुर्सियां बनाता है या उसको लेंगे जो बेचारा है गरीब है या एक्सप्लॉयटेड है ये एक बड़ा हार्ड कठिन सवाल है लेकिन ये कटु सत्य के साथ साथ ये भारत के भविष्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है मुझे ऐसा लगता है सन 2024 में बैठ के आज भारत को सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहिए कि ये देश कौन चलाएगा मेरिट वाले लोग या बिचौलिय मिडिल मैन जो हुक और क्रुक किसी तरह से पॉलिटिक्स में बैठना चाहते हैं और गरीब दलितों को पिछड़े हुए वर्गों को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं और इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं कल जो जो पिछले एक दो दिन में श्री राहुल गांधी जी ने जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है आ, उन्होंने एक फ़ोटो दिखाई जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो हलवा सेरेमनी है जो कि ट्रेडिशनल है जो बरसों से भारत में एक हलवा बनाते हैं क्यों बनाते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है पर बनाते हैं ट्रेडिशन है बहुत चीज़ें हम करते हैं ज़िंदगी में करनी भी चाहिए तो राहुल गांधी जी ने एक फोटो दिखाई और उन्होंने पूछा इनमें से कितने दलित हैं कितने आदिवासी हैं कितने ओबीसी हैं और उन्होंने ऐसा एक एक नैरेटिव क्रिएट किया कि चूंकि इनमें से कोई भी ओबीसी या दलित या आदिवासी नहीं है इसलिए ये बजट जो है इसमें मेरिट नहीं है मुझे ऐसा लगता है ये एक बहुत ही हालांकि पॉलिटिकल हुआ हुआ जो दिन भर चलता है हुल्लड़ देश में उसमें शायद इसमें इसको ट्रैक्शन मिले सोशल मीडिया पे थोड़ा पॉपुलर हो लेकिन ये बहुत ही मूर्खता भरा सवाल है मुझे ये बताइए कि अगर सारे के सारे दलित तो और ओबीसीज और एसटी के लोग अगर ये बजट बनाते और सारे फोटो में वही खड़े होते एक आध वहाँ कोई बनिया या क्षत्रिय या कायस्थ या ब्राह्मण खड़ा होता तो क्या ये बजट बेटर हो जाता ये कैसी बात है कैसी उलूल जुलूल बात है आपका जो प्रोफेसर और टीचर है क्या वो आपको इसलिए अच्छा पढ़ाता है कि उसकी जात कुछ और है या इसलिए अच्छा पढ़ाता है कि वो पढ़ा लिखा है और पढ़ाना चाहता है उसमें वो पैशन है क्या कोई आदमी एक अच्छा कवि या एक अच्छा एक्टर या एक अच्छा मीडिया वाला या एक अच्छा इंजीनियर इसलिए बनता है तब तो फिर ये भी सवाल उठना चाहिए जो पंद्रह पुल बिहार में गिरे उनको बनाने वाले कौन थे उनको भी दोषी साबित करना चाहिए और यह भी जानना चाहिए कि सारे जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं इन जिनको पास करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए हैं ये कौन सी जात के हैं ये भी पता करना चाहिए पर उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हम लोगों ने ये मेरिटोक्रेसी के सवाल को दबा के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया है आज भारत वर्ल्ड के सबसे ज्यादा लिटरेट बट अनएजुकेटेड डिग्री होल्डर्स बट अनस्किल्ड स्टूडेंट्स पैदा कर रहा है सबसे ज्यादा दुनिया में नंबर वन ऐसे यूथ डिविडेंड का क्या फायदा जो कास्ट पॉलिटिक्स के कारण पूरी की पूरी जनरेशंस बर्बाद हो रही हैं और जो जिनके पास मेरिट है जो आगे जा सकते हैं जो देश का नाम आगे ले जा सकते हैं उन लोगों को सिर्फ इसलिए कि उनके पास मेरिट है और वो पिछड़ी जातियों के नहीं है उनको अब एक्सप्लॉयट किया जाता है उनको पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया जाता है और वो सब लोग इसी जुगाड़ में लगे रहते हैं कैसे पढ़ लिख के इंडिया से बाहर निकलो क्योंकि सब जानते हैं कि आज की तारीख में अगर आप अपर कास्ट है तो आपका सोशल एक्सेप्टेंस बहुत बहुत कम है और आपके रिडिक्यूल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं दोस्तों मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं मैं भी तो इसी देश में बड़ा हुआ हूं मैं भी यहीं पढ़ा हूं और मैं एक ब्राह्मण हूं लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में आज से आठ दस साल पंद्रह साल के पहले कभी सवर्ण वर्ड नहीं सुना था मैं जानता ही नहीं था इसका क्या अर्थ है क्योंकि किसी ने मुझसे बोला ही नहीं था कि हम सवर्ण हैं मैं बड़ा हुआ था मुझे ये बात पूरी तरह पता थी कि भारत का, का कास्ट इक्वेशन क्या है आई वॉज फुल्ली अवेयर ऑफ दैट आई ऑलवेज अंडरस्टूड इट वी ट्राइड वेन वी वर इन कॉलेज एंड स्कूल वी ट्राइड टू वर्क टूवर्ड्स इट लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन मुझे इस बात के लिए अपमानित किया जाएगा कि मैं सवर्ण हूँ तो मैंने पढ़ने की कोशिश की समझने की कि आखिर इसका क्या मतलब है आज हम लोग सवर्ण और पिछड़े लोगों के बीच में सोसाइटी को डिवाइड करना चाहते हैं हम रिलीजन पे ऑलरेडी डिवाइडेड हैं हम हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं ये सारे पॉलिटिशियंस जब जात पात की बात करते हैं तो ये लोग बाकी रिलीजन वाले लोगों की जात पात की बात क्यों नहीं करते क्या आप जानते हैं मुस्लिम में कितनी कास्ट है पचास साठ तो मैं ही जानता हूं आपको पता है क्रिश्चियंस में कितनी कास्ट है तमाम क्या आप जानते हैं सिखों में कितनी कास्ट है क्या आप जानते हैं जैनों में भी अलग अलग सेक्ट्स और सबसेक्ट्स हैं आप जानते ही नहीं है इस बात को कि भारत में जो भी धर्म है बुद्धिस्ट के बीच में उनके बीच में आ, हायर और लोअर हैरार की है अगर ये इस देश की रियलिटी है कि यहाँ पे लोगों में एक तरह की हैरार की है तो उसको खत्म करने का क्या तरीका होना चाहिए क्या उसका तरीका होना चाहिए एक दूसरे को लड़वा दो या रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कर दो और जो इंडिया में अब बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है मैं आपको किस्सा सुनाता हूं हमारे गांव में एक दलित पढ़ के बाहर गया और जब वो लौट के के आया उसकी पोस्टिंग हुई जब पुलिस में तो आते ही साथ उसने जो गांव जितने ब्राह्मण और बनिए या कायस लोग थे उनको बुला के लाइन से खड़ा किया और उनको किसी ना कोई इल्जाम लगा के उन सबको हवालात में बंद किया और खूब पिटाई करी उनकी और ये सत्य है आज की तारीख में आप अगर अपर कास्ट हैं तो इस देश में आपका धीरे धीरे रहना मुश्किल है मैं कहता हूं किसी का भी मुश्किल क्यों होना चाहिए सब लोग बराबर क्यों नहीं होना चाहिए इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड तो आप मुझे बताइए 200 साल ब्रिटिश लोगों ने हम पे राज किया है उसके पहले 800 साल मुगल लोगों ने राज किया है आप जानते हैं कि अधिकतर जो लोग कन्वर्ट नहीं हुए और जो खुद मुगल एम्पायर के जासूस या उनके जयचंद नहीं बने या कन्वर्ट के मुस्लिम नहीं बने उन लोगों के साथ इस देश में 800 साल तक एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन हुआ है 200 साल अंग्रेजों के अगर आप लें ब्रिटिश राज में तो हर भारतीय जो कि जो जो ट्रेटर नहीं था जिसने बिट्रियल नहीं किया सोसाइटी के साथ जो जयचंद नहीं बना उन लोगों के साथ ऑपरेशन हुआ है कभी भी उन्हें लाठी मारी जाती थी उनके पास पैसा नहीं था इतने भूखे नंगे गरीब थे चाहे आप ब्राह्मण हो चाहे वैश्य हो चाहे कायस्थ हो चाहे दलित हो हर कोई गरीब था इस देश के अंदर तो आप बताइए दो साल के ऑपरेशन के बाद एक अच्छी गवर्नमेंट का एक अच्छे ईमानदार पॉलिटिशियन का एक सिस्टम का क्या कर्तव्य होना चाहिए क्या उसको सारे भारतीयों को एम्पावर करने की जरूरत नहीं है लॉजिक यही है कि भाई दलितों के साथ ऑपरेशन हुआ इसलिए उनको एम्पावर करना है तो मैं तो यह जानना चाहता हूं कि भारत सारे भारतीय लोगों के साथ जो 200 साल ऑपरेशन हुआ है क्या उनको एम्पावर करने की जरूरत नहीं है यह गहरा सवाल है लेकिन बहुत चिंता का सवाल है इसके बारे में सोचिए अब मैं बताता हूं क्या होना चाहिए आज की तारीख में असली दलित वो है जिसके पास पैसा नहीं है आप मुझे बताइए अभी शादी हुई थी एक बहुत बड़ी शादी हुई थी किसी ने जानने की कोशिश की जिन लोगों की शादी हुई थी उनकी जात क्या थी या आप मुझे बताइए जब आप किसी एक होटल के अंदर जाते हैं तो कोई आपसे पूछता है आपकी जात क्या है आप जब प्लेन में बिजनेस क्लास का टिकट बुक करते हैं कोई पूछता है आपकी जात क्या है जब आप एक मॉल में जाके कपड़े खरीदना चाहते हैं आप महंगे कपड़े खरीदना चाहते हैं कोई पूछता है आपसे जात क्या है लोग एक ही चीज़ देखते हैं आपके पास पैसा कितना है और आप अगर अगर ऐसी बात है अगर जात से ही लेना देना है तो जितने ये पॉलिटिशियन जात की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी हो चाहे यादव जी हो चाहे कोई भी हो जो भी जात की बात कर रहा है इनसे पूछिए आप कौन से क्लास में आते हैं क्या आप प्रिवलेज ऑप्रेसिव मीन ऑप्रेशर एक्सप्लोइटर क्लास में आते हैं या आप लोग ऑप्रेस्ड क्लास में आते हैं इन सबके महल हैं कोठियां भी नहीं है घर भी नहीं है महल हैं और एक भी नहीं है बहुत सारे है। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कास्ट की बात करने के पहले आज भारत में 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दिया जाता है और तमाम ऐसे हैं जो सड़क पे भूखे नंगे सोते हैं आप देखिए तो मैं बार बार बोलता हूं भारत एकमात्र दुनिया के उन देशों में है जहां पे कचड़े की पेटी में चूहा सुअर का बच्चा कुत्ते का बच्चा और इंसान का बच्चा एक एक दाने के लिए आपस में लड़ते हैं इतनी गरीबी जहां पे है वहां पे उन गरीबों की कभी बात क्यों नहीं होती जिन 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता है उन लोगों के लिए सबके लिए एजुकेशन में ब्यूरोक्रेसी में पॉलिटिक्स में उनके रेजर्वेशन की बात क्यों नहीं होती उनको क्यों डिवाइड किया जा रहा है इसके पीछे क्या मंशा है इसके पीछे कौन सी डेंजरस सिनिस्टर पॉलिटिक्स है आप खुद सोचिए और खुद समझिए भारत का भविष्य बहुत खतरे में है और वो इसलिए खतरे में है कि आज भारत में ये गंदी ज, ग, गलीच पॉलिटिक्स के कारण कोई भी आदमी जिसके अंदर मेरिट है उसके लिए स्पेस नहीं बची है और जिनके पास मेरिट है वो मनी मन भारत छोड़ के जा रहे हैं और जो नहीं जा पा रहे हैं वो भी इसी कोशिश में है कि किस तरह से इस दलदल में इस गंदी कास्ट के दलदल में किस तरह से अपनी जगह बनाए दोस्तों ये वक्त है भारत के गरीब लोगों को एम्पावर करने का भारत का गरीब कैसे एम्पावर होगा जब हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी जब हमारी इंडस्ट्री स्ट्रांग होगी इंडस्ट्री इकॉनमी स्ट्रांग होगी ये एम्पावर होगा और इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और तभी भारत विश्वगुरु बनने का सपना भी सोच सकता है कभी भारत वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी बनने का भी सपना सोच सकता है लेकिन अगर आप 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना खिलाएंगे उनकी चिंता करेंगे नहीं और पूरी सोसाइटी को आप कास्ट के बेसिस पर बांट देंगे आप सोचिए नब्बे नाइन्टी परसेंट अकॉर्डिंग टू श्री राहुल गांधी नाइन्टी नाइन्टी परसेंट लोग आज कास्ट सेंसस में नहीं आते मतलब पाँच परसेंट सिर्फ जो हैं वो अपर कास्ट के हैं और बाकी सारे जो हैं उनको भागीदारी की ज़रूरत है अगर ऐसा हो गया तो मैं कहता हूँ फिर हंड्रेड परसेंट ही रेजर्वेशन कर दीजिए ना सेवेंटी सेवेंटी फाइव परसेंट तो रेजर्वेशन कई सारी जगह पे मांग हो रही है तो हंड्रेड परसेंट कर दीजिए सारे इंडियंस के लिए रिजर्वेशन कर दीजिए और वही मुझे लगता है विश्वगुरु बनने का सपना उसी दिन होगा जिस दिन भारत के एक करोड़ लोगों के लिए रेजर्वेशन होगा क्योंकि वो सब लोग पिछड़ी कास्ट में आते हैं और उस कास्ट का नाम है भारतीय